हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम छत्तीसगढ़ के पंचायती राज के बारे में जो है पढ़ेंगे, और ये यहाँ जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया गया सभी आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है जी, जो आपके एग्जाम में व्यापम PSC वगैरह में बार बार रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप PSC परी के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहे व्यापम में कोई भी एग्ज़ाम का जो है तैयारी कर रहे हैं, मेन्स वगैरह हो गया, व्यापम में हॉस्टल मॉडर्न प्रयोगशाला शिक्षाकर्मी भर्ती छत्तीसगढ़ पुलिस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो पंचायती राज के लिए भारत के संविधान में कौन सा संशोधन जो है किया गया था, और क्वेश्चन कहाँ है, व्यापम में क्वेश्चन आया है। तो पंचायती राज में जो है भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया है, 73वां, 74वां, 75वां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 73वां। याद रखें पंचायती राज के लिए भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था, 73वां संशोधन यहाँ पे किया गया था, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991 में, 92 में, 93 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992, ये डेट याद रखिएगा। 73वां संविधान जो संशोधन कब किया गया था, 1992 में किया गया था, इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नगरीय निकाय के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, ठीक है, और ये PSC CMO पेपर में आया हुआ, 73वां, 74वां, 75वां या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74वां, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नगरीय निकायों के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन, ये आपका 74वां जो संविधान संशोधन यहाँ पे हुआ था, ठीक है जी, ये आपका CGPSC CMO में आया हुआ है, इसको आपको याद, नगरीय निकाय के लिए बोला गया है 74वां, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था और क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, UPSC देख सकते हैं सिविल सर्विस के एग्जाम में आया है, 1991, 92, 93 या इनमें से कोई नहीं। तो 74वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1992 हुआ था और UPSC के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में, ठीक है ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, पंचायत सचिव, अन्य ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत का जो एल्डरमैन होते हैं या ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरपंच, अगर उप सरपंच की अनुपस्थिति हो किसी कारणवश जो अनुपस्थिति होते हैं तो ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ग्राम सभा के द्वारा जो निर्वाचित व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो है ये जो ग्राम सभा की जो बैठक का जो है आयोजन किया जाता है, ठीक है जी, मतलब जो इनकी अध्यक्षता में जो बैठक का आयोजन किया जाता है। याद रखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में पंच भी दे सकते हैं, पंच, लेकिन ये पंच याद रखिए पंच के द्वारा ये जो है अध्यक्षता नहीं की जाती, इसको याद रखें, पंच नहीं लेना है किसी भी आंसर हो, कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है जी, तो ये जो है बी ऑप्शन कृषि याद रखिएगा। तो ग्राम पंचायत की शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में जो है कृषि जो है नहीं आता, ठीक है जी, इसमें जो है सालाओं का जो है निरीक्षण, मत्स्य पालन और परिवार जो कल्याण जो है विभाग, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो ये जो है सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के ये जो है सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत, ये जो है इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, करारोपण और लेखा ग्राम पंचायत, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या यहाँ पे 5 होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है जी, डी ऑप्शन। तो स्थाई छत्तीसगढ़ राज्य में जो एक ग्राम पंचायत में स्थायी समिति की जो संख्या 5 होती है, और वहीं जनपद पंचायत में जो संघ अगर वहीं पूछे जनपद पंचायत में, तो ग्राम पंचायत में होती है 5 जो है स्थायी समिति की संख्या, जनपद पंचायत में 7 होती है, याद रखिएगा जनपद पंचायत में 7 और ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों के 5 होती है, ठीक है, 5-7 दोनों का डिफरेंट पता होना चाहिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्राम पंचायतों के द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का जो प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती जो अधिनियम, जो पंचायत अधिनियम है 1993 जो इसके एक्ट में जो है किस वर्ष
संशोधन कर शामिल किया गया था। ये डेट याद रखिएगा, सी ऑप्शन 2004। ठीक, 2004 में जो है ये जो सीजी पंचायत एक्ट जो है 1993, इसको कौन से वर्ष संशोधन कर शामिल किया गया, 2004 में इसको किया गया था। ठीक है, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों द्वारा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान इसमें बताई गई है। 2004 ये डाटा याद रखिए, कौन सा एक्ट है, 1993। ठीक है, ये दोनों को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रप्रस्थ योजना किससे संबंधित है। इंद्रप्रस्थ योजना जी ये जो है खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो इंद्रप्रस्थ योजना को लाई गई थी सरकार के द्वारा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति करने का जो अधिकार किसको है, कलेक्टर, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति करने का अधिकार किसको होता है, तो यहाँ पर जो है जिला पंचायत को होता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए निर्धारित की गई है, तो 18, 20, 21 या 22 साल, तो इसके लिए लगभग 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत में सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, बाकी जो है यहाँ पर जो है 18 साल के एज में यहाँ पर जो है नाम वगैरह यहाँ पर जो है जुड़ जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज जो अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, ये जो उप सरपंच याद रखिएगा, उप सरपंच का जो है यहाँ पे जो है 1990 एक्ट के तहत ये जो अधिनियम के तहत यहाँ पे जो है ये इनका जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है उप सरपंच, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में, ठीक है, दो पंचायत के मध्य अगर विवाद की स्थिति बन जाती है दशा में, विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है, ये धारा 90 में इसके अनुसार। ठीक है, तो ये जो है आपका किसके द्वारा जो इसका जो है निपटारा किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य शासन के द्वारा। ठीक है जी, तो दो पंचायतों मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा जो है राज्य शासन के द्वारा, ये धारा 90 के तहत किया जाता है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ग्राम पंचायतों के कार्यों का जो है सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, ग्राम पंचायतों कार्यों का जो सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, ये आपका ग्राम सभा करता है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यहाँ पे इस राज्य के पंचायती राज जो अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है, पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन के द्वारा, बी है आंतरिक अंकेक्षण और कररोपण अधिकारी के द्वारा, जिला अंकेक्षक द्वारा, कलेक्टर के द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पंचायती राज जो अधिनियम जो 1993 के जो धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों को जो है कार्यकलापों की जो जांच जो है कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी जो है होना चाहिए। ठीक है जी, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यहाँ पे जनपद पंचायत पर नियम जो है नियंत्रण कौन करता है, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है, संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन जो अधिकारी, या आपका जो है जनपद पंचायत का अध्यक्ष है, या जिला पंचायत के जो है अध्यक्ष है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संचालक जो पंचायत होती है ये जो है नियंत्रण होते हैं। ठीक है, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है, तो संचालक पंचायत, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात गठित राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार कितने प्रतिशत जो है राशि जो है पंचायतों को दी जाती है, तो ये जो है राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 4.79% यहाँ पर जो है राशि जो है पंचायतों को दिया जाता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत सेक्टर की उस योजना का नाम क्या है जिसमें व्यवसायिक परिसर अटल बाजार निर्माण का जो प्रावधान है, ग्रामीण निर्माण योजना, मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना, ग्राम विकास योजना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, किसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पंचायत सेक्टर की उस योजना का नाम है आपका ग्राम पंचायत विकास योजना, जिसमें जो है व्यवसायिक परिसर अटल बाजार का निर्माण का जो है प्रावधान किया गया है, मार्केट में जो है
यहाँ पर जो चबूतरा टाइप का बना रहता है उसी से संबंधित है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से जो है होती है? चुनाव की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, या चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि? इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के जो कार्यकाल के 5 वर्ष की गणना कब से की जाती है? ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से यहाँ पे की जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों में कौन सा स्तर जो है नहीं है? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, या जो है ग्राम सभा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्राम सभा। ठीक, तो आप तो त्रिस्तरीय पंचायत में जो है जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, ये 3 स्तरों का होता है। ठीक है, 1 स्तर आपको ग्राम सभा नहीं होती है। ठीक है जी, तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन जो है वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं? गरीबी रेखा के नीचे परिवार, अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार, या कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार को? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार को यहाँ पर 20,000 रुपये की राशि जो है वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, ये जो है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत, इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो है ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार किसको है? कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को, या ग्राम पंचायत को? ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार किसको है? तो ये जो है जनपद पंचायत को। ठीक है जी, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो कृत्य ग्राम पंचायतों के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? स्वच्छता एवं सफाई, ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण तथा अनुरक्षण, कानून व्यवस्था, या जन्म मृत्यु विवाहों के पंजीयन संबंधी अभिलेखों का संधारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानून व्यवस्था। ठीक है, तो कौन सा जो कृत्य ग्राम पंचायत कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? कानून व्यवस्था, ये जो है ग्राम पंचायत का कृत्यों में कार्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं। बाकी ए जिसमें स्वच्छता और सफाई, ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण और अनुरक्षण, जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन संबंधी जो अभिलेखों का संधारण, ठीक, ये सभी जो ग्राम पंचायतों के कार्यों के अंतर्गत आती है सम्मिलित है। बाकी जो है कानून व्यवस्था, ये जो ग्राम पंचायतों के कृत्य में सम्मिलित नहीं है। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इस तरह के जो है नए क्वेश्चन में। ठीक है जी, और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।